जेपीटीवी पांडोहा मैं संवाददाता दिव्या रावल केंद्रे, कैमरामैन रोहित पवार। जिला परिषद प्राथमिक पाठशाला पांडोहा जो जिले की 365 दिन चलने वाली पाठशाला है, इस पाठशाला को मिलने के लिए चंद्रपुर जिले के एडिशनल सीईओ साहब यहाँ पर आए हैं, तो हम उनके अनुभव जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम? मैं कपिलनाथ रविशंकर कुलोडे। मैं एक्चुअली एडिशनल सीईओ नहीं, मैं डिप्टी सीईओ पंचायत करके आया हूँ। और आपके स्कूल देखने के लिए स्पेशल मेरे साथी वाखड़े साहब और हमारे सीनियर कैपो सर भी यहाँ मौजूद हैं। सर, आपकी शिक्षा कहाँ पर समाप्त हुई है? मेरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तो मेरी मेरे गांव के स्कूल में, प्राथमिक स्कूल, जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में हुई। प्राथमिक शिक्षा के बाद मेरे जवाहर नवोदय विद्यालय वर्धा में यहाँ मेरी शिक्षा आगे की पूरी हुई। सर, अभी आप जिस पद पर कार्यरत हो, क्या आप यही बनना चाहते थे या आपकी कोई और इच्छा थी? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था। पहले तो कुछ अलग ही बनना था, पर बाद में ऐसा लगा कि नहीं, हम ये जो हम एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन में आके कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर बाद में जब कॉलेज में गया तब लगा कि नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। एक्चुअली कॉलेज में बहुत कुछ अलग ही लगता था कि कुछ अलग ही बने करके, पर कॉलेज में जाने के बाद यानी उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन में। सर, आपने चंद्रपुर जिले को देखा ही है और देख रहे हो, तो जो चंद्रपुर जिले की गुणवत्ता है, इस गुणवत्ता पर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? गुणवत्ता तो बहुत सारी गुणवत्ता है, सिर्फ उसको थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, प्रेरणा या उसको कुछ तो स्कोप मिलना चाहिए। अगर उसे अच्छे से स्कोप मिला, उसे अच्छे तराशा जाए उस गुणवत्ता को, तो मुझे लगता है कि चंद्रपुर से बहुत बड़े बड़े लोग निकल सकते हैं। यानी ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे लोग चंद्रपुर से आए हैं, पर जो गुणवत्ता अगर देखी जाए तो उस गुणवत्ता के हिसाब से और भी बहुत ज्यादा चंद्रपुर के लिए ये यूजफुल हो सकता है, अगर अच्छे से तराशा जाए, उसे अच्छे से उसे स्कोप दिया जाए तो। सर, आपने ज्योतिष तालुके के पांडो स्कूल को भेज दी, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि सिर्फ चंद्रपुर की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश के स्कूल पाल्डो जैसे होने चाहिए। सही में पाल्डो के जो टीचर्स है, स्पेशली पर्दे के सर है, जिन्होंने इतनी मेहनत किया, हमने वो हिस्ट्री सुनी कि कैसे कैसे उन्होंने किया। पर्दे के सर के साथ भी जो बाकी शिक्षक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा उन्होंने साथ दिया। उसके साथ ही उनका जो कार्य देख के गांव वालों ने फिर बात का सहकार्य किया। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, गांव वाले पहले करें, बाद में हम करेंगे। मुझे लगता है कि स्कूल, मॉडल स्कूल जो है, जब हम मॉडल स्कूल देखते हैं, तो मॉडल स्कूल की कंसेप्ट इस स्कूल के आधार पर होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगा। बहुत अच्छा लगा और मैं फिर से जरूर आऊंगा विजिट करने के लिए। सर, आपने स्कूल का नाम बस सुना था, मगर जब खुद यहाँ पर आकर आपने भेज दी, तो आपको कैसा लगा? सुना, यानी जो सुना है उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, यानी जो सुना था यानी उससे बहुत ज्यादा महसूस किया यहाँ आके। सर, यहाँ पर काफी बच्चे पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं, आपने यहाँ के रास्ते तो देखे हैं, और जो पढ़ाई के लिए बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं वह संभव नहीं हो सकता है, और जो पढ़ाई के लिए बच्चे आना चाहते थे उनके लिए अगर स्कूल बस शुरू हो जाए तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए आ सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हो? सवाल तो बहुत, यानी क्या बोलते, क्लिष्ट है उसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्कूल बस है उसके लिए मैं जरूर हमारे जो सीनियर से उनसे बात करूंगा, और हो सके उतना यहाँ के सड़क के लिए या स्कूल बस के लिए जो भी मदद होगी, मैं पूरी तरह से वो मदद करने की प्रयास करूंगा। सर, यह मेरा आपके लिए लास्ट सवाल है कि सर, आप इस जेपीटीवी पाल्डो के माध्यम से चंद्रपुर जिले की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पूरे अध्यापकों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सभी अध्यापकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी रहता है, यानी जब हम सोचते हैं कि नहीं स्कूल कैसी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है सभी अध्यापकों ने आके एक बार पाल्डो देखना चाहिए। पाल्डो के स्कूल सिर्फ देखनी ही नहीं चाहिए, तो जो पाल्डो स्कूल आज की परिस्थिति में है, तो परिस्थिति में लाने के लिए उन्होंने पिछले 9 साल में जो मेहनत की यहाँ के शिक्षकों ने, तो वो मेहनत को उन्होंने महसूस करना चाहिए, वो मेहनत को देखना चाहिए। और ऐसे पाल्डो जैसे स्कूल अगर हमारे पूरे चंद्रपुर की होगी, तो मुझे लगता नहीं कि जब चंद्रपुर हमारा जो
ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में युक्ता यानी निचले कुछ स्टेट्स जिलों में चंद्रपुर है। तो मुझे लगता है कि जो टॉप के 3-4 जिले उसमें अगर चंद्रपुर आने के लिए मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, चंद्रपुर जरूर आ सकता है। उससे चंद्रपुर के लोगों की भी जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है वो भी सुधारने को मदद मिलेगी। इसलिए मैं सभी अध्यापकों को प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने एक बार सही में पार्लरों को विजिट देनी चाहिए, सिर्फ विजिट ही नहीं देना चाहिए, तो उसने जो काम किया वो समझ लेना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी भी स्कूल वैसे ही क्यों ना हो उसके लिए सभी प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करकर। बहुत कठिन सवाल पूछे। तो मैं संवाददाता दिव्या राहुल केंद्रे, कैमरामैन रोहित पवार, जेडपी टीवी पालघर।